पृथ्वी शॉ नाम तो आपने सुना ही होगा। इस हफ्ते यह खिलाड़ी ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ा हुआ है और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पृथ्वी शॉ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है कि ट्रोलर्स का क्या, वो तो जब अच्छी प्रदर्शन होते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं और जब खराब परफॉर्मेंस होती है तो ट्रोल भी कर देते हैं। नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। पृथ्वी शॉ वह युवा प्रतिभा जो राहुल द्रविड़ के अंतर्गत एनसी अकेडमी बेंगलुरु में पली बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया में खराब प्रदर्शन की वजह से इस नायाब हीरे को आज बुरे दौर का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आईपीएल में भी इस खिलाड़ी का बल्ला खामोश रहा था। आईपीएल में खेले गए 13 मैचों में 17 के एवरेज से मात्र 228 रन बनाए और जिसमें इनका हाईएस्ट स्कोर 66 रन रहा। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में दोनों पारियों में ये क्रमश 0 और 4 रनों पर आउट हो गए थे। पृथ्वी जब इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़े तो बहुत बड़ा घरेलू तमगा इनके नाम था। इस खिलाड़ी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है दिलीप ट्रॉफी में सबसे पहले शतक जमाने का, जो मात्र उन्होंने 17 साल की उम्र में किया था, जो कि यह रिकॉर्ड इससे पहले सचिन तेंदुलकर के नाम था। रवि शास्त्री का कहना है कि यह खिलाड़ी जब कवर ड्राइव मारता है तो सचिन जैसा दिखता है, डिफेंस करता है तो पॉन्टिंग जैसा, और जब मैदान पर चलता है तो ब्रायन लारा जैसा। आपको इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि यह खिलाड़ी किस स्तर का बल्लेबाज है। आइए अब हम आपको इस खिलाड़ी के अर्श से फर्श तक की कहानी दिखाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पृथ्वी शॉ वापसी करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खेल पाएंगे? कमेंट सेक्शन आप ही के लिए ही है, जाइए और भर दीजिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए ओ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।